बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त मिल रही है खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा नगर निगम का घेराव करेगी। भाजपा के तमाम पार्षद निगम के घेराव में शामिल होंगे। नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर ये घेराव है। दोपहर 3 बजे एकात्म परिसर से निकलकर ये घेराव किया जाएगा। तो नगर निगम दफ्तर को घेरेगी भाजपा, तमाम भाजपा के परिषद। आपको बता दें इस घेराव में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी आज अपने तमाम पार्षदों के साथ नगर निगम दफ्तर को घेरेगी 3 बजे एकात्म परिसर से। आपको बता दें ये घेराव शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो बीजेपी करेगी नगर निगम का घेराव। नगर निगम में जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर ये घेराव है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत शर्मा रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी विस्तार से लेंगे। हेमंत, आज 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम पार्षद हैं उनके साथ 3 बजे एकात्म परिसर से निकलेंगे और रायपुर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। आखिर इन 6 से 7 महीने में किस तरह की वो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, किस तरह से अव्यवस्थाएं हो गई, व्यवस्थाएं चरमरा गई कि नौबत यहां आन पड़ी और प्रदेश में तमाम मूलभूत चीजों को लेकर प्रदेश की जनता को त्राहिमाम त्राहिमाम करना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में पानी की जो किल्लत है वो खुलकर सामने आ रही है, नगर निगम पूरे 70 वार्डों में पानी की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है। अगर टैंकर जिस वार्ड में जा भी रहे हैं तो वो पैसों के नाम पर पानी दे रहे हैं। 5-5 रुपए में रायपुर में पानी बिक रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से बिजली कटौती को लेकर घमासान मचा हुआ है मौजूदा सरकार और पूर्व सरकार पर, लगातार बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही है, इस बात को उठाने की कोशिश कर रही है कि लगातार बिजली कटौती यहाँ पर की जा रही है। चलिए, गांव में तो बिजली कटौती होती है वहां पर मान सकते हैं, लेकिन शहर में 3-3, 4-4 घंटे लगातार बिजली यहाँ पर कट रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज नगर निगम दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इसमें जो बीजेपी के सभी पार्षद हैं वो शामिल होंगे और करीब 2000 कार्यकर्ताओं के भी इसमें शामिल होने की खबर है, क्योंकि कल पूरे बड़ा सवाल ये है, सरप्लस राज्य है बिजली को लेकर छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों को बिजली बेची जाती है उसके बाद भी बिजली कटौती हो रही है और एकदम से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ऐसा नहीं है कि भूपेश सरकार में इस तरह की चीजें हो रही हो। जब रमन सिंह भी थे सरकार में, 15 साल बखूबी उन्होंने सरकार चलाई है, तब भी प्रदेश सरप्लस था, तब भी पावर कट होता था, लेकिन इस तरह से हो हल्ला नहीं होता था जिस तरह से अब हो रहा है। क्या विपक्ष में आने के बाद ये बताने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हो रही है कि नहीं, सरकार और प्रदेश को बेहतर और सुचारू तरीके से चलाने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती, कांग्रेस का ये फेलियर है? देखिए, रस का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी सिंधु, उनका एक बयान मुझे याद आ रहा है, जब बिजली के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बीजेपी का प्रचार तंत्र है वो काफी मजबूत है, इसीलिए जनता उनकी बातों को जल्दी पकड़ लेती है। चाहे वो बिजली के मामले ऊपर मैं बात करूं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान चना और नमक का भ्रामक प्रचार बीजेपी ने किया था कि चना और नमक सरकार ने बंद कर दिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था, तो ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस सरकार के विरोध में जा रही है, विपक्ष में जा रही है। जो भाजपा है उनका जो प्रचार तंत्र है वो काफी सफलतापूर्वक
एक भूमिका भाजपा के लिए निभा रहा है। बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर ऐसा जोर बीजेपी ने, ऐसा मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा है जिसको लगातार सरकार जवाब देने में लगी हुई है, चाहे वो तमाम मंत्री हो। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जो बिजली विभाग में भाजपा के अधिकारी हैं वो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। तो तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बिजली है, क्योंकि बिजली और पानी लोगों को नहीं मिलेगी तो आखिरकार लोगों का विकास कैसे हो पाएगा, क्योंकि यही मूलभूत सुविधाएं हैं। पानी एक तरफ रायपुर में नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बिजली कटौती हो रही, पिछले सरकार के दौरान भी हुआ था। लेकिन सबसे गंभीर मुद्दा यही है, विषय यही है कि अगर छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, दूसरे राज्यों को बिजली देती है, तेलंगाना को बिजली देती है, झारखंड को बिजली देती है, तो खुद छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती क्यों हो रही है? गंभीर प्रश्न है। हालांकि इसका जवाब सरकार भी नहीं दे पा रही है, पिछले सरकार ने भी नहीं दिया और मौजूदा सरकार भी ठोस रूप से इसका जवाब देने में असमर्थ नजर आ रही है। बिजली पानी के अलावा और वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज नगर निगम को घेरने की तैयारी में है और हो मतलब सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने के पूरे मूड में है? देखिए, बिजली पानी के अलावा जो सबसे प्राथमिकता वाला मुद्दा है वो है सफाई। राजधानी रायपुर में रामकी कंपनी को नगर निगम ने सफाई का जिम्मा दिया हुआ है, एमओयू दोनों के साथ दोनों में हुआ था, लेकिन जिस तरीके से आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी से नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़ गए। सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत है और शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सुंदरानी जी, आज तो फुल मूड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ नगर निगम रायपुर के घेराव की तैयारी, क्या कुछ मुद्दे? मुद्दा पानी का है। नगर निगम महापौर प्रमोद दुबे लोकसभा चुनाव में जब पराजित हुए हैं तब से उनका नगर निगम में कोई रुचि दिखती नहीं है। क्या हाहाकार मचा हुआ है पूरे शहर में, पानी के लिए आम आदमी तरस रहा है, एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, हालात बहुत खराब है। सुंदरानी जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने में प्रदेश की और अगर हम राजधानी की बात करें तो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ऐसा मतलब ऐसा हो क्या गया? ऐसी अक्षम सरकार हमारे प्रदेश में आ गई है जिसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, प्रशासनिक अराजकता की स्थिति, इतने ज्यादा ट्रांसफर किए हैं इन्होंने, ट्रांसफर उद्योग जैसा खोल दिया, उसके बाद भी न बिजली सप्लाई हो पा रही है, बिजली कट हो रही है, पानी की समस्या विकराल देते जा रही है, आर्थिक स्थिति प्रदेश की बहुत खराब हो चुकी है, तनख्वाहें नहीं बट रही है कर्मचारियों को। हालांकि सुंदरानी जी, ट्रांसफर का जिक्र आपने किया, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, न केवल जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि जिन स्टेट में आपकी भी सरकार है वहाँ भी ट्रांसफर हो रहे हैं, वो प्रक्रिया एक रूटीन प्रक्रिया हो जाती है। दूसरी चीज, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जितनी भी अव्यवस्थाएं हो रही इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में कहीं बिजली कटौती नहीं हुई। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लगातार चर्चा भी करते आए हैं, जब आप भी सरकार में थे तो हम इस तरह की खबरें दिखाते आए हैं कि किस तरह से बिजली और जल संकट को लेकर राजधानी और छत्तीसगढ़ में त्राहिमाम की स्थिति हमने पिछले वर्ष भी देखी थी। हालांकि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हेमंत शर्मा, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। हेमंत, आप अपना सवाल सीधे सुंदरानी जी से कर सकते हैं। जी हेमंत, देखिए, मेरा सुंदरानी से यही सवाल है कि पिछली सरकार के दौरान भी बिजली कटौती और जो पानी की समस्या है वो भी बनी हुई थी, रायपुर में लगातार पानी की समस्या रहती है, तो ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने, पिछली सरकार के समय यहाँ जो मुद्दा है वो जोर शोर से ना उठा हो। कांग्रेस ने भी जोर शोर से बिजली कटौती का मुद्दा उठाया था, सबसे ज्यादा पावर कट ग्रामीण इलाकों में होती थी और अभी भी हो रही है, तो मेरा यही सवाल सुंदरानी जी से है कि पिछली सरकार के दौरान भी होता था तो
अब आज का जो घेराव है उसमें और क्या मुद्दे होने वाले हैं सुंदरानी जी? मैं तो देखिए हमने जो सरकार ने विकास के काम स्वीकृत किए थे वो निरस्त कर दिए गए, हमारी सरकार के स्वीकृत विकास के काम वो निरस्त कर दिए गए, और लगातार पेयजल का संकट इतना गहराता जा रहा है, कोई इन्होंने पहले से व्यवस्था नहीं कर रखी, कोई सप्लाई पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है, टैंकरों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आज हाहाकार मचा हुआ है, नगर निगम में महापौर की जो सक्रियता होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। लेकिन सुंदरानी जी ये एक सवाल ये भी तो है ना कि आप भी इस चीज को मानते हैं कि नेचर पे किसी का जोर नहीं है, अल्प वर्षा हुई है, अल्प वर्षा के लिए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं, वर्षा के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये तो मैं इस बात को 100% मानता हूँ, लेकिन जो हालात हैं वो अगर कंट्रोल किए जा सकते थे, सप्लाई लाइन को ठीक किया जा सकता था, टंकियां भरी जा सकती थी, ऐसा नहीं कि पानी का समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और नदी नाले अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में है, 15 साल आपकी सरकार रही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे, क्यों राज्य सरकार ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब क्यों जोर नहीं दिया, तब भी देना चाहिए था, 6 महीने की सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है सुंदरानी जी, मेरे दोनों सवालों के जवाब आप दीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल सुन लीजिए, जिस तरह से स्काई वॉक को लेकर पहले भी जनता ने कहा कि नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, तब भी सरकार ने इसको बनाया, उस पर 36 करोड़ से ज्यादा की राशि का खर्च हुआ, अब इसको तोड़ने के लिए रेफरेंडम मांगा जा रहा है, अगर जनता कहती कि इसको तोड़ा जाए तब भी सरकारी खजाने की बंदरबांट लगेगी, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए मैं पहला आपको ये जवाब दे दूं कि नदी नाले पानी की जो व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, अमृत मिशन के नाम से हमने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 5 नई टंकियां रायपुर में बनाकर काम किया, ताकि रायपुर की राजधानी के लोगों के लिए पानी की समस्या न हो। श्याम नगर की एक टंकी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती है, उसको बहुत इन्होंने अभी अभी 8 दिन पहले शुरू किया, जबकि वो 6 महीना पहले शुरू होने की स्थिति में थी, हम लोग उसका लोकार्पण 6 महीना पहले करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्रेस वे रोड बना हमारे यहाँ 293 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें ओवरब्रिज अंडर ब्रिज मतलब एक बहुत बढ़िया रोड जो माना एयरपोर्ट के लिए निकलता है स्टेशन से, उसका लोकार्पण नहीं कर पा रहे। हालांकि लोकार्पण वाली बात अलग है, लेकिन स्काई वॉक की मैं बात करता हूँ, 100 लोगों में इन्होंने राय लिया अपने अपने लोगों से, उसमें बताते हैं 67 लोगों ने कहा तोड़ दो, 33 लोगों ने कहा मत तोड़ो, और कल आज की एक अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि जनता नहीं चाहती इसका, कल महापौर और 2 विधायक शहर के इस बात को लेकर जनता की राय के लिए नीचे उतरे, जिसके फुटेज आप लोगों के चैनल में देखने को मिले कि जनता कहती है कि स्काई वॉक नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब स्काई वॉक बन रहा था तब भी हमने चर्चा की थी, और आम जनता ये भी कह रही थी कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए, और दूसरा 2018 की गर्मियों में हमने रायपुर और छत्तीसगढ़ में बिजली और पानी का हाल देखा था सुंदरानी जी, हालांकि किस तरह से व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाएं उससे राज्य सरकार को निपटना चाहिए, नगर निगम को निपटना चाहिए, ये वाकई में बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ यह बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी चर्चा में शामिल हुए, अपनी बात आपने हमारे साथ रखी। हेमंत आप बने रहिए, अगली खबर में भी आपके साथ हम जुड़े। खबर चलिए रायपुर से ही देखेंगे और बड़ी खबर देख लेते हैं, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर